आसामच्या कोक्राझारमध्ये नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड या दहशतवादी गटाच्या अतिरेक्यांनी केलेल्या हल्ल्यात 14 जण ठार झालेत. एका गजबजलेल्या बाजारात दुपारी 12:30 सुमारास 3 ते 4 सशस्त्र अतिरेक्यांनी हा हल्ला केला. अतिरेक्यांकडे AK-47, AK-56 यासारख्या अत्याधुनिक रायफल्स, हँड ग्रेनेड्स होते. त्यांनी बाजारातल्या अन्य लोकांवर बेछूट गोळीबार केला आणि ग्रेनेड फोडले. हल्ल्यामध्ये 12 जण जागीच ठार झाले तर 2 जणांनी रुग्णालयात प्राण सोडले. हल्ल्यात किमान 20 जण जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. जखमींपैकी अनेकांची स्थिती चिंताजनक असून मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. जवळच पेट्रोलिंग करणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांच्या तुकडीनं घटनास्थळी धाव घेऊन अतिरेक्यांना जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. यात एक अतिरेकी ठार झाल्याचंही समजतंय, मात्र अद्याप त्याची ओळख पटलेली नाही. सबसे पहले तो हम इस घटना को निंदा करते हैं. ये इंसानियत के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है. तो इसलिए हम लोगों ने हमारे दुख व्यक्त किया है. सारे विषय बड़े दुखजनक है और जो भी जिस लाइक जिन्होंने अपने बलिदान दिया है उस फैमिली के लिए हम लोगों ने कंपेंसेशन के हिसाब से 5 लाख रुपए देने का निर्णय किया और जो जो इंजर हुआ है उनके लिए 1 लाख का हम लोगों ने ये किया है. पिछले 2 साल में कोकराझार और आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिला करके वो बोडोलैंड में काफ़ी शांति बहाल हो गया था, लेकिन ये अचानक जो आज घटना हुआ ये बहुत ही दुखद है और इतने लोगों को मारना ये बहुत गलत हुआ है. इसलिए अभी राज्य सरकार से भी संपर्क करके हम आधिकारिक रूप से पूरा डिटेल्स लेंगे, उसके बाद फिर पूरा सिचुएशन का जायजा लेते हुए क्या करना है आपको बताएंगे. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.